Assalamu alaikum friends, today we will talk on Fukushima nuclear power plant disaster that happened in 2011. In the previous lecture, we talked about Chernobyl nuclear power plant disaster that occurred in April 1986. ये दो वाक्यात ऐसे वाक्यात हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ जो रिस्क अटैच्ड हैं उनको ये बयान करते हैं, और इन दो वाक्यात से ऐसी तहरीकों ने जोर पकड़ा जो तहरीकें एंटी न्यूक्लियर एनर्जी मूवमेंट्स कहलाती हैं और जिनका मुतालबा है कि दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी का जो इस्तेमाल है और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बंद किए जाएं, क्योंकि इससे इंसानियत के लिए ये एक थ्रेट है। रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व है, और रेडियो एक्टिविटी वो चीज़ है जिसके असरात कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक मौजूद रहते हैं, और रेडियो एक्टिविटी इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ ऑन अर्थ। हम जानते हैं कि 1945 में दूसरी जंग अजीम के तकरीबन अख्ताम पर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए गए, लेकिन उन वाकयात की नौयत डिफरेंट थी, वो तो एक जंग की सूरत हाल थी। यहाँ पे ये जो दो वाकयात हैं चेर्नोबिल और फुकुशिमा, इसके अलावा और भी ऐसे वाकयात हुए लेकिन वो छोटे वाकयात हैं। ज़्यादा जो डेंजरस और सवियर इंसिडेंट्स थे वो चेर्नोबिल का था और फुकुशिमा का था, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर कहलाते हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा तबाही का ख़तरा पैदा हुआ, और इनकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ लोगों ने या हल्कों ने सोचना शुरू कर दिया कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इवन फॉर सिविलियन पीसफुल पर्पसेस। These lectures are research-based, relevant information और key facts को बयान किया जाता है, और information is explained in simple words. Why this lecture? It's a devastating incident of the nuclear history of the world, which underpins the risks attached with the experimentation relating to the uses of nuclear energy. Moreover, such kind of lecture are important from the perspective of knowledge based in interview. आपकी नॉलेज बेस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कंटेंट होगा। लेट्स से इफ यू आर टू राइट ऑन द रिस्क एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूजेस और एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यू कैन कोट the two incidents of Chernobyl and Fukushima. इसलिए ये एक टोकन लेक्चर के तौर पे इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऊपर बात करें कि ये इदारा कैसे कायम हुआ और इस इदारे की क्या मैंडेट है और ये इदारा है क्या। चूंकि पहले हमने बात की चेर्नोबिल के ऊपर, वहाँ जो हादसा हुआ, फिर फुकुशिमा, और एक दुनिया में एक ऐसा इदारा मौजूद है जो कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए और एटॉमिक एनर्जी को मज़ीद इंसानियत के लिए एक महफूज बनाने के लिए काम करता है, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। ये फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट वाज लोकेटेड इन नॉर्दर्न जापान, बिल्कुल पैसिफिक ओशन के साथ वाकया था। हुआ ये कि 11 मार्च 2011 को तकरीबन 2:46 से दोपहर के एक अर्थक्वेक आता है जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। रेक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत 9.1 है। ये इतना शदीद जलजिला था कि इसकी वजह से जो उस पावर प्लांट के वर्किंग रिएक्टर्स थे वो काम करना बंद कर देते हैं, और यहाँ से आगाज होता है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट
डिजास्टर का। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि चेर्नोबिल पावर प्लांट डिजास्टर जो कि 1986 में हुआ, उससे भी उसके बाद ये दूसरा खतरनाक तरीन हादसा कहलाता है। वर्किंग रिएक्टर्स काम बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। और यहाँ पे एक बात मैं एक्सप्लेन कर दूं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उन उस जो हीट को कम करने के लिए कूलिंग पंप का रोल आता है। रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, और उन रिएक्शन के नतीजा में हीट जो पैदा होती है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कूलिंग पंप्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ये रिएक्टर बंद हो गए, रिएक्शंस की वजह से जो हीट पैदा हो रही थी वो तो पैदा हो रही थी, लेकिन कूलिंग पंप्स ने काम करना बंद कर दिया। और अगर ऐसा हो कि कूलिंग पंप्स काम ना कर रहे हों और हीट बढ़ती चली जाए तो उससे क्या होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा और रिएक्टर की छत तक एक्सप्लोड कर सकती है और रेडियो एक्टिविटी जो है वो फैल सकती है, और यही कुछ होने वाला था इस केस में। रेडियो एक्टिव गैस लीक होना शुरू हो गई, टेम्परेचर राइज हुआ, न्यूक्लियर फ्यूल मेल्ट हुआ, और यहाँ पे कूलिंग पंप्स को बैकअप जनरेटर के जरिए फंक्शनल कर दिया गया। अब यहाँ तक हालात नॉर्मल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक और चीज होती है, और वो ये होती है कि जो अर्थक्वेक आया था वो इतना शदीद था कि उसने पैसिफिक ओशन में सुनामी पैदा कर दी, और उस सुनामी की दो लहरें जो है, दो बहुत बड़ी वेव्स आके इन रिएक्टर से टकराती हैं, और उसके नतीजा में जो बैकअप जनरेटर्स काम कर रहे थे वो भी अपना काम बंद कर देते हैं, और अब कूलिंग का कोई अमल जो है वो जारी नहीं है। दूसरी वेव इतनी शदीद थी कि उसकी जो बुलंदी थी वो 50 फुट तक थी, और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो रिएक्टर के एक्सटर्नल वाल थी उसकी बुलंदी सिर्फ 20 फुट थी। तो क्या हुआ कि पानी जो है वो रिएक्टर्स में दाखिल हो गया, और जिसकी वजह से बैकअप जनरेटर्स ने काम करना छोड़ दिया, और उसके बाद कूलिंग पंप्स ने भी काम करना बंद कर दिया। अब सूरत हाल बहुत संगीन थी। जापान हुकूमत ने लोगों को इलाके से निकल जाने का हुक्म दिया, और तकरीबन 1.5 लाख लोग इलाका छोड़ गए। न्यूक्लियर फ्यूल मेल्ट हुआ, और इस अर्थक्वेक और सुनामी के तकरीबन 24 घंटों बाद 12 मार्च 2011 को 3:25 दोपहर के बहुत जोरदार धमाका हुआ एक रिएक्टर में, और रेडियो एक्टिव फायर भड़क उठी। फिर उसके 2 दिनों बाद मजीद 3 धमाके हुए मुख्तलिफ रिएक्टर्स में। आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जहां पे एक और मसला आन खड़ा हुआ कि ये पानी जो है रेडियो एक्टिव हो गया, इसमें रेडियो एक्टिविटी के असरात शामिल हुए, और ये पानी गिरना शुरू हो गया पैसिफिक ओशन में, और इंसानी और आबी हयात के लिए एक और खतरा पैदा हो गया। अब जापान हुकूमत ने रेडियो एक्टिविटी के असरात को काउंटर करने के लिए कौन से इकदाम किए? जापान हुकूमत ने एक आइस वाल तामीर की, जिसका मकसद ये था कि पानी की जो लीकेज है इस पावर प्लांट से इनटू द पैसिफिक ओशन उसको रोका जाए, और ये आइस वाल का काम ये था कि ये पानी को अपने अंदर जज़ब कर ले। इस वाल की तामीर 2016 में मुकम्मल हुई, जबकि प्लांट 2013 में बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी इस प्लांट के अंदर पिघला हुआ न्यूक्लियर फ्यूल सैकड़ों टनों की मकदार में मौजूद है, जबकि रेडियो एक्टिव वाटर जो है वो भी इस पावर प्लांट के अंदर मौजूद है, जिसका डिस्पोजल एक चैलेंज है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ जापान। अब जापानी हुकूमत ये सोच रही है कि हम इस पानी को ट्रीटमेंट करके डिस्पोज कर दें, लेकिन इसमें कई साल लग जाएंगे। इस वाकया का जिम्मेदार कौन, इसके लिए तहकीकात शुरू की गई, और इनिशियली प्लांट ऑपरेटर टेपको टोक्यो इलेक्ट्रिक एंड पावर कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया।
क्योंकि ये कहा गया कि इस तरह फुकुशिमा के आसपास इस तरह के जलजले आना और सुनामी का आना कोई अनहोनी बात नहीं है। यहाँ पे इस तरह के अर्थक्वेक्स एंड सुनामी आते रहते हैं, तो क्यों टेपको ने ऐसे इकदाम नहीं किए कि अगर जलजला या सुनामी आती है, अर्थक्वेक या सुनामी आती है, तो उसके असरात को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, ये उसको कंसिडर करने में नाकाम रही है, ऐसे इकदाम करने में नाकाम रही है। इट डिड नॉट प्लान टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी। फिर ये मजीद सामने आया कि सम ऑफ द रिएक्टर्स नीडेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। लेकिन बाद में इस टेपको को इन चार्जेस से एग्जोनरेट किया गया और कहा गया कि ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से है, अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से ये हुआ है। नकल मगाने के दौरान तकरीबन 2200 लोग जान से हाथ धो बैठे और जापान को इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इस वाक्य की वजह से जो एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स थी उन्होंने तहरीक पकड़ी और लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया और पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स ने कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो खतरात से खाली नहीं है। जर्मनी डिसाइडेड इन 2011 टू शट डाउन ऑल इट्स न्यूक्लियर पावर स्टेशन बाय 2022 और इस फुकुशिमा के आसपास 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में अभी भी ये इलाका रहने के काबिल नहीं है बिकॉज ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी। तो ये तो था फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर। होपफुली आपको ये लेक्चर जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।